झुंझुनू वीडी के अस्पताल के पालना गृह में बीती देर रात को मिला एक नवजात बच्चा। नवजात बच्चे की हालत बनी हुई है गंभीर। झुंझुनू वीडी के अस्पताल के पालना गृह में बीती देर रात को एक नवजात बच्चा पाया गया। नवजात बच्चे को छोड़ने वाली कलयुग की मां ने पालना गृह के अंदर ना छोड़कर उसके पास छोड़ दिया, जिससे बच्चे की हालत गंभीर हो गई। चिकित्सकों को पता चला तो बच्चे को संभाला तो बच्चे की सांसें थमी हुई सी थी, मगर बीटी के अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र भावू के प्रयासों से बच्चे को CPR दिया गया और बच्चे की जांच शुरू हुई। फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और बच्चे को खेतान अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया है, जहां पर बच्चे का इलाज जारी है। डॉक्टर जितेंद्र भावू ने बताया कि बच्चा करीब 6 से 12 घंटे पहले का जन्म हुआ है। बच्चे को पालना गृह के बाहर छोड़ने की वजह से किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया, जिससे बच्चे की हालत गंभीर बन गई, मगर चिकित्सक बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, हाँ साहब बताओ थोड़ा सा, क्या बच्चा मिला, क्या मामला? ये 935 पे जो पालना गृह है उसके बाहर वाली साइड में एक बच्चा मिला है, अज्ञात बच्चा, जिसका वजन 1.5 किलो है और जिस समय मिला था उस समय सांसें बिल्कुल नगण्य थी। उसके बाद तुरंत जो स्वास्थ्य कर्मियों ने देखा और देखने के बाद उसको लेकर के लिए CPR स्टार्ट किया गया। सेचुरेशन है वो 1% था और बचने की उम्मीद नगण्य थी। उसके बाद CPR किया गया, आवश्यक दवाएं दी गई और एम्बो बैग वेंटिलेशन से बच्चे को बचाया गया। अब भी बच्चे की स्थिति है वो क्रिटिकल बनी हुई है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पिछले 1.5 घंटे से लगातार। सर मुख्य नहीं कि किस चीज़ की कमी है, क्या वो मुख्य बीमारी हो जो बच्चे के अभी बच्चे है? का वजन कम है इसलिए सांस की तकलीफ ज़्यादा है और सांस की तकलीफ की वजह से छाती है वो धंस रही है और लंबे समय तक बाहर रहा होगा या मान लो छोड़ा है इस वजह से रहा। और जो डिलीवरी का टाइम है वो उम्मीदन 6 से 12 घंटे के आसपास करने की आवश्यकता है। और पालना गृह की थीम भी यही है कि फेंके नहीं हमें दे, ताकि वो पालना गृह को मिलता है तो उसकी देखभाल कर पाते हैं। और छोड़ना अलग इशू है, पर ये है कि लोग झाड़ियों में नहीं छोड़ रहे हैं, ये समाज का जागरूकता की और ये डिपार्टमेंट की भी लोगों को पता लग रहा है कि वहाँ छोड़ेंगे तो कम से कम बच्चे को देख रेख मिलेगी।